हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले एक ही चीज की दूसरे नंबर की कॉलेज जिसका नाम है अजय कुमार कर। पहला नंबर की कॉलेज JSS, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AKG की लोकेशन, फीस, प्लेसमेंट, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिशन प्रोसेस, कितने रैंक पे आपको एडमिशन मिलेगा। और अगर कोई फ्री काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करिएगा एंड उसके बाद हमारे तरफ से आपके पास कॉल जाएगा एंड फ्री काउंसलिंग आपको मिल जाएगी। तो मैं विमान आपको लिए चलते हैं हमारे कॉलेज चर्चा की चैनल पे और चर्चा करते हैं आज के AKG के कॉलेज के बारे में। तो AKG है कहाँ पे? AKG है गाजियाबाद में, गाजियाबाद दिल्ली NCR में आता है। और ये जो कॉलेज है वॉज एस्टेब्लिश इन 1998, तो करीबन 24 साल पुरानी कॉलेज है। तो एकेडमी के लिए आप देखेंगे कि इट्स हैज़ लेगेसी है। तो ये कॉलेज को बहुत सारे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। आप क्यों प्रेफर करते हैं उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कोर्स में आप देखेंगे UG कोर्स में BTEC है एंड PG कोर्सेज में MTEC एंड MCA अवेलेबल है। आप BTEC जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, BTEC में कंप्यूटर साइंस, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप जो कंप्यूटर साइंस है उसको सेग्रीगेट किया गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसमें 180 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस में 120 सीट्स है। एंड उसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर साइंस इन डेटा साइंस और CS IT भी अवेलेबल है। तो ये सारे कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस है। आप पूछ सकते हैं कि CSE एंड CS में क्या फ़र्क है? ट्रस्ट मी, हमने पूरे के पूरे जो सिलेबस है AKG का वो स्टडी किया है, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है। चौथे साल तक की सिलेबस सेम है। तो अगर आपको CSE में बाई चांस नहीं मिलता एडमिशन, आप CS में ले सकते हैं या CS IT या CS AIML में भी ले सकते हैं। आप AIML एंड CS4 की सिलेबस में कोई डिफरेंस है? देखिए, थर्ड ईयर तक तो मैंने सिलेबस चेक किया, वो अवेलेबल है AKG की साइट पे, उस पर कोई डिफरेंस नहीं है। हो सकता है फोर्थ ईयर में कुछ डिफरेंसेस आए, बट लगता है कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं होगा। स्टिल अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो हो सकता है। तो अगर आपको CS4 नहीं मिलता, कोई भी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। MTEC में चार कोर्सेज अवेलेबल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड साथ में MCA अवेलेबल है। तो हमारी आज की जो फोकस रहेगी वो BTEC के ऊपर रहेगी ज़्यादा। अब सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट पे, कि बिकॉज क्या होता है, स्टूडेंट बाकी सारी चीज़ें छोड़ के प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते। तो चलिए चलते प्लेसमेंट्स कितना देता है देख लेते हैं कोर्स बाई कोर्स। तो जैसे मैं बता रहा था प्लेसमेंट्स के बारे में, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019-20, 2020-21 एंड 2021-22 की प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए 21-22 का जो प्लेसमेंट्स है, मतलब जो लास्ट ईयर के प्लेसमेंट्स है, वो अगर देखा जाए जो कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट्स है, आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स 179 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला है। आप 2.5 लाख की जो मिनिमम है, 1 करोड़ 13 लाख जो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स है एंड 5,95,000 ऑलमोस्ट 6 लाख की एवरेज है। IT की बात करें तो IT की प्लेसमेंट्स आप देख सकते हो, IT की जो प्लेसमेंट्स है वो 180 में से 123 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है और 2,75,000 की मिनिमम है, 32 लाख की हाईएस्ट है और 5,40,000 मतलब 5.5 लाख की एवरेज है। EC की बात करें, EC का भी एवरेज आप देखेंगे 4,60,000 की है और मैकेनिकल सिविल की एवरेज थोड़ी सी कम है, 4 के आसपास की है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो टेक्निकल मतलब कंप्यूटर रिलेटेड है CS IT EC, और यहाँ पे CSE का ही प्लेसमेंट मेंशन है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की अभी बच्चा जो है वो पास आउट नहीं हुआ है। इसी की कंपेयर करें, अगर कंपेयर करेंगे जैसे मान के चलिए आप 2019-20 के साथ कंपेयर करेंगे या 2021 के साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2019-20 में जो CS की जो हाईस्ट प्लेसमेंट था वो 12 लाख की थी और एवरेज 4,20,000 के आसपास, और 2020-21 में जो हाईएस्ट था वो 30 लाख की था CS का एंड एवरेज था 5 लाख की। तो लास्ट जो 2 to 3 ईयर्स में प्लेसमेंट्स की काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कोविड के चक्कर में थोड़ा सा प्लेसमेंट स्लो डाउन था, बट अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो अगर आपको 5,95,000 मतलब 6 लाख के आसपास प्लेसमेंट मिल रही है कंप्यूटर साइंस में या IT में, तो ये बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। क्योंकि ये दिल्ली NCR में ज़्यादातर कॉलेज में आप देखेंगे 5 से 6 लाख की एवरेज पैकेजेस मिलेंगी जो टॉप रैंक है, और जो मीडियम रैंक है उसको 3.5 से 4 लाख की एवरेज प्लेसमेंट ही मिलती है। तो अगर AKG की बात करें तो प्लेसमेंट्स वाइज AKG बेहतरीन कॉलेज में गिना जाता है। तो ये जो प्लेसमेंट्स आपको मिलेगी और इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो आपको कितनी फ़ीस देनी है? देखो ट्यूशन फी अलग होती है और बाकी चार्जेस मिलाकर टोटल जो आपको पेमेंट करनी है पर ईयर 1,41,000
पेमेंट करनी है। तो 1,41,000 पर ईयर की फीस है, हॉस्टल चार्जेस अलग है। और अगर कोई छोटा मोटा चार्जेस होती है कोई मतलब कहीं पे इंडस्ट्री विजिट, वो थोड़ा सा यू नो 5-7 हज़ार रुपये हो सकता है अलग हो, बट नॉर्मली होती नहीं है। तो ओवरऑल आपको माइंड में रखना है कि 1,41,000 फीस है, साथ में आपको हॉस्टल चार्जेस देना होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फैकल्टी के बारे में, चर्चा करते हैं फैकल्टी। देखिए फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कॉलेज में कितनी फैकल्टी है, कितनी क्वालिफाइड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने सारे एकेडमी के कॉलेजेस है उस पर क्वालिफाइड फैकल्टी होती है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट होती है वो एकेडमी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। तो यहाँ की जो फैकल्टी है उसके बारे में देख लेते। अब देखिए जो फैकल्टीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोर्सेज यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे टोटल सैंक्शन इंटेक कितना है, और कितने फैकल्टी आपको चाहिए होगा इस कोर्सेज के लिए, और साथ में कितने फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे मेंशन है। अगर देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये 60 सीट है, बिकॉज पिछले साल शुरू हुआ था तो एक ही साल चल रहा है, तो 3 फैकल्टी की ज़रूरत है और 3 फैकल्टी कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, ठीक है। और दूसरी कोर्सेज जैसे कंप्यूटर साइंस, इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 180 सीट है, तो 4 साल की जो टोटल है 720 सीटें हो गई, 36 फैकल्टी चाहिए और 37 फैकल्टी अवेलेबल है। और स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं, 1:20, मतलब हर 20 स्टूडेंट्स पे एक फैकल्टी अवेलेबल है। तो इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। IT में जैसे 660 सीटें हैं, टोटल 33 फैकल्टी चाहिए और 34 फैकल्टी अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे देख सकते हैं जो फैकल्टी कितने फैकल्टी ज्वाइन किया और कितने फैकल्टी लास्ट 3 साल में निकल गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2022 की बात करते हैं, 2021-22 में 41 न्यू फैकल्टी आए और 61 फैकल्टी चले गए कॉलेज छोड़ के। यहाँ पे 9 फैकल्टी न्यू रिक्रूटेड है और 11 फैकल्टी चले गए, और 19-20 में 14 फैकल्टी आए और 21 फैकल्टी चले गए। तो यहाँ पे एक हल्का सा ड्रॉबैक है कि ज़्यादातर जो जितना रिक्रूटमेंट हो रहा है उससे ज़्यादा फैकल्टी कॉलेज से निकल के जा रहे हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए जितनी फैकल्टी कॉलेज को चाहिए उतना है, कहीं किसी किसी कोर्स में उससे ज़्यादा ही फैकल्टी अवेलेबल है। तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, और फैकल्टी की जो क्वालिफिकेशन है वो AKTU के स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे हैं। तो ओवरऑल अगर फैकल्टी अच्छी है तभी इतनी अच्छी प्लेसमेंट यू नो जो कॉलेज से मिल रही है, अगर फैकल्टी अच्छी नहीं होती तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी एज वेल। अब हम डिस्कस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जो टोटल है 40 एकर की कैंपस है, तो कैंपस जो है ह्यूज है। कैंपस में 69 क्लासरूम्स है, 30 ट्यूटोरियल क्लासेस है, 107 लैब है, और उसके साथ साथ आपको इनोवेशन लैब मिलेगी, जहाँ पे मान के चलिए आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते तो वो आपको कॉलेज की तरफ से इनोवेशन लैब मिलेगी जहाँ पे आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, टोटल 6 हॉस्टल से 3 बॉयज़ हॉस्टल 3 गर्ल्स हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल की जो टोटल सीट्स है वो करीबन 900 का है, और गर्ल्स हॉस्टल की सीट से 600 का, टोटल 1500 सीट्स की हॉस्टल्स आपको इन कैंपस मिलेगी। कैंपस में सारे गेम्स अवेलेबल है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लॉन्ग टेनिस, ये इंडोर गेम, आउटडोर गेम, सारे चीज़ें अवेलेबल है। कैंटीन, कॉलेज कैंटीन अवेलेबल है, मेस में खाना भी ठीक ठाक मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव है, स्टूडेंट्स अगर विजिट करता है तो स्टूडेंट को कोई कंप्लेन नहीं रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से स्टूडेंट प्रेफर करते हैं एंड दे टेक एडमिशन सेम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल आप बता सकते हैं इट्स अ प्रीटी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप डिस्कस करेंगे एडमिशन प्रोसेस, अगर आपको एडमिशन लेना है तो कैसे मिलेगी। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ, हमारे काउंसलर्स प्रॉपरली काउंसिल करते हैं सारे स्टूडेंट्स को। हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उस पर छोटा सा फॉर्म है, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, और कौन सी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके रैंक, ये सारे डिटेल्स भर दीजिएगा, हमारे काउंसलर आपको कॉल करके आपको प्रॉपरली गाइड कर देगा, कोई भी कॉलेज हो AKTU के अंदर, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में कैसे एडमिशन मिलेगा वो भी आपको मिलेगा, हमारे नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस की 2 प्रोसीजर है, एक तो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, अगर आपकी जेई मेन की रैंक अच्छी है तो काउंसलिंग की प्रोसेस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग मदद चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग मदद आपको मिल जाएगी। तो कितने रैंक तक मोटा मोटा आपको कंप्यूटर साइंस या IT में एडमिशन मिलेगी, आपकी जो रैंक होना चाहिए वो 60-70 हज़ार के बीच में हो तो सेफ साइड है, उसके ऊपर हो तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। और काउंसलिंग भी एक आर्ट है, प्रॉपरली आपको फॉलो करनी पड़ती है हर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको काउंसलिंग करना होता है। तो आपकी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है तो हमारे नंबर पर कॉल करना या जो फॉर्म है उसको फिलअप करना। दूसरी चीज़ है कि मैनेजमेंट कोटा। देखिए मैनेजमेंट कोटा में हर जो कोर्सेस है उस पर 15% सीट रिजर्व होती है मैनेजमेंट कोटा की।
मैनेजमेंट कोटा की जो एडमिशन है वो रैंक के बेसिस पे कम और 12th की पीसीएम बेसिस पे ज़्यादा होती है। लेकिन आप देखेंगे पिछले जो 2 साल में, 2000 लास्ट ईयर 2021-22 में जो 4000 एप्लीकेशन आए थे मैनेजमेंट कोटा के लिए, उनमें से 187 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था फॉर ऑल कोर्सेज। एंड उससे पहले साल 3000 एप्लीकेशन आए थे, 188 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था। तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो हज़ारों की तादाद में है और सीट्स है कि यू नो 100-200 पे लिमिटेड है। तो अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन चाहिए तो एक तरीका है, और क्या तरीका है उसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करिए, आपको बता देंगे किस बेसिस पर आपको एडमिशन मिल सकती है। तो काउंसलिंग के लिए आपको जे मीन्स की रैंक अच्छी होनी चाहिए, और मैनेजमेंट कोटा के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी गुड पीसीएम परसेंटेज। तो दोनों चीज़ें आपके पास है तो चांसेस है आपको एडमिशन मिल सकती है। अगर नहीं है उसका भी तरीका है वैकेंसीज के, वैकेंसी एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पे अप्लाई करना होता है। तो वो कैसे अप्लाई करना हो तो उसके लिए हमारे काउंसलर से बात करिए, वो आपको गाइड कर देगा। तो ये है एडमिशन प्रोसेस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कॉलेज कैसी है, देखिए जो AKTU की टॉप 3 कॉलेजेस है उनमें से टॉप 2nd नंबर पे है। तो ये एक हमारे तरफ से हम सब कॉलेज है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपकी रैंक मान लीजिए 60-70 हज़ार के आसपास है, तो ये टॉप 3 कॉलेजेस आप देख सकते हो और उस पर एडमिशन ले सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइट के बारे में, और काइट 3rd नंबर की कॉलेजेस है। तो अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर आप किसी दोस्त के लिए मददफुल हो सकता है, ठीक है, हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसके साथ शेयर करिए। पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइए बिफोर टेकिंग अ डिसीजन कि कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।